आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मंगलवार को ग्रामीण एवं पंचायत विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल देपालपुर पहुंचे। इस मौके पर कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव तथा तमाम प्रशासनिक अमले ने ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया। देखिए खास रिपोर्ट। देपालपुर में आपकी सरकार आपके द्वार। मंत्री कमलेश्वर पटेल ने देपालपुर में लगाई सौगातों की झड़ी। कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव ने मौके पर किया समस्याओं का निराकरण। जिला पंचायत सीईओ सहित प्रशासनिक अमले ने सुनी समस्याएं। कमलनाथ सरकार के महत्वाकांक्षी अभियान आपकी सरकार आपके द्वार के तहत देपालपुर में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल प्रशासनिक अमले के साथ पहुंचे। इस दौरान मंत्री जी ने देपालपुर विकास खंड मुख्यालय पर 24 अवतार मंदिर परिसर में 1,30,00,000 रुपए के 15 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं उन्होंने 515 हितग्राहियों को 55,00,000 रुपए मूल्य की सामग्री वितरित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जो वादा किया वह निभाया है। उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार शीघ्र ही जिला पंचायत अध्यक्ष को 50,00,000 रुपए और जनपद पंचायत अध्यक्ष को 25,00,000 रुपए वार्षिक स्वेच्छानुदान निधि जारी करेगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री पटेल ने इस अवसर पर यह भी कहा कि ग्राम सचिवालय में सब काम ऑनलाइन होंगे। इसके अलावा ग्राम सचिवालय ग्रामीण स्तर के सभी कर्मचारी मौजूद रहेंगे। ग्राम सचिवालय निश्चित समय पर निश्चित दिन को खुलेगा और ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ग्राम सचिवालय में आने वाली समस्याओं को जन आकांक्षा पोर्टल पर भी प्रतिदिन दर्ज किया जाएगा। निश्चित समय में सभी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। हम समझते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण पहल है सरकार की, और जो ये निर्णय हुआ है इसके माध्यम से जहां एक तरफ जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर समेत सारे लोग गांवों में जा रहे हैं और वहीं पे निराकरण कर रहे हैं। छोटी छोटी जो छोटे छोटे कामों के लिए जो आम जनता परेशान होती है उनका समाधान ऑन स्पॉट करते हैं, मौके पे ही निराकरण करते हैं। चाहे वो बिजली का बिल हो, एक तरह से इसको हम कह सकते हैं कॉमन सर्विस सेंटर, आपका बिजली के बिल से लेके या अन्य छोटी छोटी जो समस्याएं हैं मृत्यु प्रमाण पत्र से लेके सारी चीज़ें हमारे ग्राम पंचायत में बैठने वाले पटवारी, रोजगार सहायक, सचिव और जनप्रतिनिधि भी, अगर सरपंच वगैरह भी वहाँ बैठना चाहें वो बैठें और इसका त्वरित निदान करें। और हम समझते हैं कि इससे काफ़ी राहत मिलेगी जो छोटे छोटे काम के लिए, जैसा कि ये आपकी सरकार आपके द्वार वाला कार्यक्रम शुरू हुआ है, ये भी हमारी सरकार ने पंचायत ग्रामीण विकास विभाग ने बहुत अच्छी पहल की है और इसके लिए हम लोग और सतत निगरानी करेंगे, पूरे प्रदेश में इसको लागू करेंगे। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक विशाल पटेल ने कहा कि आपकी सरकार आपके द्वार योजना के तहत ग्रामीणों की समस्याओं का हाथों हाथ निराकरण किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल, सड़क और बिजली की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों में सामुदायिक भवन की मांग है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, जिसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाकर दूर किया जा सकता है। लाभदायक योजनाएं हैं, हर एक व्यक्ति को नीचे स्तर पर लाभ नहीं मिल पाता है, उनको हर एक निचले स्तर पर भी लाभ मिले, ताकि यही कि काफ़ी योजनाएं ऐसी है जो कहीं ना कहीं क्रियान्वित होती है लेकिन आम लोगों तक नहीं पहुँच पाती। आपकी सरकार आपके द्वार का उद्देश्य ये है कि हर एक व्यक्ति को उसका लाभ मिले, उसका जो अधिकार है वो उसको मिले और जो भी उसकी समस्या है उसका निदान तुरंत उसी स्पॉट पर हो, ताकि अगर जो उसके कोई बड़ी समस्या हो तो उसमें एक हफ्ते का समय है, एक हफ्ते के अंदर अंदर उसकी समस्या का निदान करना आवश्यक है। कार्यक्रम में कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव, जिला पंचायत सीईओ नेहा मीणा, जनपद पंचायत सीईओ माया बारिया सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे, जिन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। देपालपुर में ग्राम सचिवालय का उद्घाटन किया गया, जिससे जनता को सही लाभ मिल पाए। नहीं बनती है या फिर वो नहीं हो सकता है तो फिर उस विषय में भी उनको आगे सूचित कर दिया जाएगा कि वो नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ तरीके ऐसे आवेदन होते हैं।
सर्वांगन का आया है, बटांगन का आया है, तो उसमें एक डेट हर अधिकारी द्वारा निर्धारित कर दी जाएगी कि अगले 10 दिवसों में उन सबका निराकरण किया जाए। तो फिर वो उस विषय पे उनसे की विशेषता उनकी समीक्षा होगी, क्योंकि कई सारी शिकायतें ऐसी होती हैं जिनका सेम डे निराकरण नहीं हो सकता है, तो उनको फिर बता दिया जाएगा आवेदनकर्ता को कि आपका दिनांक इस तक निराकरण हो जाएगा, और फिर उस दिनांक तक संबंधित अधिकारी को उसका निराकरण करना सुनिश्चित करना है। आज ग्राम आगरा में हम लोगों ने एक ऑब्जर्वेशन किया है, निरीक्षण पूरा हो गया है, मुझे टीम है, मुझे कल डिब्रीफ करेगी उसके बाद। कुल मिलाकर आपकी सरकार आपके द्वार के तहत देपालपुर के लोगों की समस्याओं का मौके पर निराकरण का पूरा प्रयास किया गया, साथ ही लापरवाह अधिकारियों को कलेक्टर और मंत्री जी ने फटकार भी लगाई। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, देपालपुर।